नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर निगम कार्यालय गेट पर नगर निगम व फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने तीसरे दिन की कार्मिक भूख हड़ताल जारी रखी। जिला प्रधान प्रवेश पोरचा ने बताया कि तीसरे दिन की भूख हड़ताल में 25 अग्निशमन और निगम कर्मी भूख हड़ताल पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की हठधर्मिता व वायदा खिलाफी के विरोध में यह भूख हड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में भाजपा सरकार को सत्ता में 9 साल हो गए, लेकिन इस सरकार में वर्षों से लगे कच्चे कर्मचारियों की नियमित करने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई, न ही कर्मियों का की कोई जायज मांगों को माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम के मेयर और भाजपा के स्थानीय विधायक ने आज तक हमारी सुधी नहीं ली और आज समाज का हर वर्ग भाजपा की सरकार से तंग है। अगर इस सरकार का यही रवैया रहा तो इसका खामियाजा आने वाले चुनावी साल में सरकार को भुगतना पड़ेगा। कर्मचारियों के आक्रोश को मद्देनजर रखते हुए संघ अब तक सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन करेगा और 15 अक्टूबर को रोहतक में विशाल आक्रोश रैली के मंच से निर्णायक आंदोलन की घोषणा करेगा। निगम प्रशासन इस हड़ताल को कितने दिन हो गए आज? मेरा नाम प्रवेश परोचा, मैं जिला प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिला यमुनानगर। आज इस हड़ताल को तीसरे चरण में हड़ताल पहुँच चुकी और सरकार की वायदा खिलाफी, हठधर्मिता और सरकार का जो टरकाऊ रवैया है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आज तक भी हमारी समस्याओं का बिल्कुल समाधान नहीं हुआ। 29 अक्टूबर 2022 और 5 अप्रैल 2023 को जो संघ के साथ राज्य प्रतिनिधि मंडल के साथ जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत में सरकार द्वारा ठोस आश्वासन दिया गया था कि कर्मचारियों की तमाम मांगें जो है वो जायज हैं, लेकिन आज करीब उसके उपरांत आज करीब 9-10 महीने बीत चुके और सरकार ने आज तक राज्य प्रतिनिधि नगर निगम के मेयर जो है, जो अपने आप को भाजपा के मेन नुमाइंदा बताते हैं, उन तक भी आज तक कोई सुध नहीं ली गई।